इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को समर्पित किया था। ये विकास आज तेलंगाना के हर इलाके में पहुंच रहा है। इसलिए तेलंगाना के कोने कोने में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी मुझे मलकाजगिरी में भी जनता जनार्दन हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उमड़ आई थी। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर कांग्रेस का बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार, 4 जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। और इसलिए लोग कह रहे हैं 4 जून को, 4 जून को, 4 जून को। और तेलंगाना भी कह रहा है अब की बार विकसित भारत के लिए, विकसित तेलंगाना के लिए, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए, गरीब की उन्नति के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, नालगो वन्नलो दाटाली बीजेपी की वोटू वैयाली। साथियों, तेलंगाना की ये धरती भारत माता की। देखिए मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई। उधर भी एक बेटी देखिए शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है। और इधर देखिए इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए
सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है, मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं, मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम लेकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहने, शक्ति स्वरूपा आप है, क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे? क्या मौका देंगे? क्या शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है, घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा, कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा।
साथियों, तेलंगाना की ये धरती कोई साधारण धरती नहीं है। ये वो धरती है जिसने अंग्रेजों से संघर्ष किया, जो रजाकारों के अत्याचारों से लड़ाई लड़े। इस धरती ने देश की अखंडता और सम्मान के लिए संघर्ष किया। बावजूद इसके आजादी के बाद तेलंगाना को कांग्रेस के सियासी षड्यंत्रों को सहना पड़ा। एक और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला है। दूसरी ओर वो बीआरएस है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया। तेलंगाना का निर्माण के पहले 10 वर्षों तक बीआरएस ने पहले 10 साल बीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बना लिया है। तेलंगाना से लूटा गया ये पैसा दिल्ली तक जाता है, वहां परिवारवादी लोगों की तिजोरी में पहुंचता है, फिर इसी पैसे का इस्तेमाल